यहाँ पे अपनी जो फोटोज उठेगी ना वो कवर के लिए उठेगी, एल्बम के लिए, डिग्री रूम है इनका जो मैं बता रहा था। अभी तो अंदर नहीं जा सकते, बोल रहे सफाई करेंगे हम पहले। आगे हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरिको स्टेप्स। तो आज जो हमने स्टूडियो बुक किया है, कन्वोकेशन का फोटो शूट होने जा रहा है और मैं बस रेडी होने वाला हूँ उसी के लिए। तो चलो चलते हैं, करते हैं मस्ती आज और करते हैं फोटो शूट और क्या कुछ वहाँ पे होता है सब कुछ आपको आज दिखाऊंगा और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। पहुंच चुका हूँ अपने स्टूडियो के पास, ये रहा स्काई बार रेस्टोरेंट। जिसको यहाँ का लोकेशन नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे आ जाओ स्काई बार रेस्टोरेंट के पास, और इसके अपोजिट में सीधे स्टूडियो है और यहाँ पे होता है अपना फोटोशूट। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि किसी ने गाड़ी यहाँ रखी अपनी, ये आप देख लो, एंटिकनो मैरिलिन सिनेमा। तो ये मैं अंदर चला जाता हूँ, ऊपर का मुझे खुद नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूँ, बट ये रहा स्टूडियो अपना। उन्होंने कहा था बाहर जाओ क्योंकि इनका चल रहा था फोटोशूट, शादी हुई थी उन लोगों की। तो यहाँ पे जो है ग्रूम और ब्राइड थे, और ये अभी बाहर का ही थोड़ा बहुत नज़ारा है। तो मैं आपको पूरा स्टूडियो दिखाऊंगा। अभी ये बोल रहा है 30 मिनट आप वेट करो, तो 30 मिनट वेट करते हैं। और ये चेंजिंग रूम है यहाँ से, ये भी मैं खोलूंगा बाद में, और यहाँ पे आप बाकी सामान वामान रख सकते हो। देख लो सब कुछ सेटअप है यहाँ पे, ये तो बाहर का है, अभी अंदर का बहुत प्यारा है, इससे भी खूबसूरत है। और रूम है इनका जो मैं बता रहा था, अभी तो अंदर नहीं जा सकते, बोल रहे सफाई करेंगे हम पहले। आई डोंट नो कौन सी सफाई है, देख लो आप, ये है पूरा स्टूडियो, देखो कितना खूबसूरत है। अभी जब हम फोटोज लेंगे ना तो ब्राइड वगैरह यहाँ पे ज्यादातर फोटो लेती है, कुछ सिंड्रेला टाइप का, आई डोंट नो मच अबाउट दैट। तो यहाँ से देख लो लाइट्स वगैरह ऑन है, और यहाँ पे क्लॉक के पास आप इन इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट देख सकते हो, उठाइए, ऑलरेडी मैंने आया हूँ मैं एक बार, अब दूसरी बार आ जाऊँ। तो इस वाले वॉल के पास भी अच्छे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स रखे हैं इन लोगों ने, और यहाँ सोफा वगैरह पे भी हो जाता है फोटोशूट अपना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, प्यारा सा। तो अभी जो मैं बाहर निकलता हूँ, फिर जब बाद में आएंगे ना मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा इनका, उस टाइम ये लाइट्स और खोलेंगे। और यहाँ पे मैंने फोटोज ली है अच्छी खासी, और सबसे प्यारी चीज जो यहाँ पे है ना ये मिरर है, और मैं भी आई थिंक अच्छा लग रहा हूँ आज। तो चलो चलते हैं बाहर फिलहाल के लिए। जाने से पहले मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूं, यहाँ पे क्या है ना, ये लाइट्स वगैरह खोलते हैं और वो ब्लैक जो है बैनर वगैरह जो पर्दा है इनका वो नीचे आ जाता है, तो फिर उसके बाद अच्छी सी फोटोज आ जाती है, कवर फोटो हमारे एल्बम के लिए, एल्बम भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। और इस बैकग्राउंड में भी लेते हैं, वाइट बैकग्राउंड में ये, तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। और जो हमारे फोटो वगैरह लेते हैं वो ये हैं, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मतलब बाद में मैं इनकी तारीफ करूंगा, बताऊंगा क्या इंसिडेंट हुआ इनके साथ हमारा। तो चलो फिलहाल चलते हैं हम बाहर। अभी जब मैं बाहर आया था तो मैंने सोचा यार टाइम क्यों वेस्ट करें, यहाँ पे आके बोबा ड्रिंक पीते हैं। बोबा ड्रिंक इज बबल टी, मैंने ले ली है एक, और वो है कॉफी टाइप की। तो इनके पास बाकी खत्म हो गई थी, बाकी किसी को नहीं मिली, मैं ही ले लिया, तो बाद में आधे घंटे बाद फिर से आ जाएंगे। हमने ऑर्डर की तो बहुत ही मतलब खूबसूरत है, और इनका टेस्टी होता है बहुत, यहाँ से आप यहाँ आके पी सकते हो जो भी यहाँ पे रहता है। तो ये हर जगह इंडिया में भी मिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और इनके जो बबल्स है ना उनको खाने में मज़ा आता है। तो बोलिए ये आधे घंटे बाद आने को, तब तक तो अपना फोटोशूट स्टार्ट होगा। तो चलो चलते हैं अभी स्टूडियो वापस। यहाँ हमें सिखा रहे हैं पोजेस, यहाँ पे बोल रहे हैं टाइम कैसे बचाओगे, तो स्टार्ट कर दो कोई भी बंदा। ब्लॉग दिलाई, हाँ ब्लॉग दिलाई थी, मौज नहीं था। ये पस्ता भी स्टार्ट होगा ना वो इस चेयर पे होगा, लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं और फोटोशूट जो है स्टार्ट होने वाला है वन बाय वन। तो पहली टर्न निकट की है, लास्ट टाइम जब मैं आया था ना यहाँ से लाइट्स ऑन नहीं थी और आज ऑन है। तो चलो पोज देते हुए और साथ कॉफी भी रखेंगे। तो देखो यार किस कितने प्यार से पोज दिखा रहा है निखत को, वाह वाह वाह, जैसे बैठी है वैसे बस हाथ पूरा ऐसे, हाँ ऐसे ये सीख गया परसों जब मैं आया था, इतना ही नहीं कर रहा था उस टाइम पर से खींच रहा था। शूट करते करते एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, छोटी सी प्रॉब्लम यूं है कि एक और ग्रुप भी यहाँ पे आ गया फोटो शूट करने के लिए। हमने क्या किया था, पहले सोचा हम स्टूडियो करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे धूप में, क्योंकि अगर फेस वगैरह खराब भी होगा फिर सनबर्न वगैरह तो चल जाएगा।
इसीलिए पहले हमने सोचा कि स्टूडियो कर लेते हैं, बट यहाँ पे एक और ग्रुप आया तो टाइमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी 5 मिनट बोला है रुकने को, शॉर्ट करके आएगा, फिर हमारा फोटोशूट फिर से शुरू हो जाएगा। चलो करते हैं 5 मिनट वेट, और ये लोग अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। वहां से तो फोटोशूट हो ही रहा है, यहाँ से हम लोग खुद के पोज दे रहे हैं, और तारिक भाई अपने कैमरामैन है और हम भी लाइन मैन है। क्या बात है, क्या पोज दे रहे हैं। तो चलो हम यहाँ से भी थोड़ी बहुत मस्ती मार ही रहे हैं बीच बीच में। तो मेरा तो वहाँ पे खत्म हो गया, उससे तो बहुत अच्छा लगा। तो एक दो दिन बाद फोटोज आएंगे, फिर हम एल्बम भी उसका बनाएंगे। ये जो है छोटा सा ब्रेक हम लोगों ने लिया है, ब्रेक इसलिए लिया है कि हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब देखो गाउन में आ गए हम, तो अब गाउन में फोटोशूट होगा। ये डिग्री है मेरे हाथ में, अब टोपी भी पहनेंगे, बस इतना सा ही फिलहाल लगा रहे हैं। इसके बाद स्क्रब लगाना है, और फिर उसके बाद हमें लगाना होगा एप्रन। तो फिर शायद अपना फोटोशूट ओवर, मे बी फिर एक दो जगह पे और बोलेंगे फोटो लेने के लिए, क्योंकि एक दो जगह अच्छी है। ऑलरेडी मैं वहाँ पे कर चुका हूँ फोटोशूट लेने, फिर से करेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। तो चलो होते हैं पूरे रेडी, और फिर करते हैं हम अपना फोटोशूट। देख लो इन्होंने जो है ब्लैक स्क्रीन जो है डाउन कर दिया है, अब इस पे हमें आना है। यहाँ पे अपनी जो फोटोज उठेगी ना वो कवर के लिए उठेगी, एल्बम के लिए, डिग्री विग्री लेके। तो चलो अभी करते हैं स्टार्ट यहाँ पे। पहले तो फिलहाल अंदर बुला रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या करा रहा है ये। तो यहाँ पे बुला रहा है, यहाँ पे ग्रुप फोटो होनी है अपनी यहाँ पे। तो चलो ग्रुप फोटो लेते हैं पहले। जो अपना ग्रुप फोटो हो चुका है हम लड़कों का, हम देखो लड़कियों का हो रहा है यहाँ पे, और ये चेक कर रहा है फिर बाद में। अब ये पोज बता रहे हैं उनको, चलो बताने दो यार, थोड़े से भैयात भी बता रहे हैं कभी कभी। बाल जो खराब हो गए थे उनको पहले संभालना पड़ा टोपी की वजह से, और मैंने एक ही फोटो लिया वहाँ पे। अब ये ले रहा है ना उनकी, मतलब अलग अलग पोज में ऐसे टोपी रखो वैसे टोपी रखो, तो मैंने बोला भाई मैं पहले बाल बना लेता हूँ उसके बाद, तो इसीलिए मैंने कंघा साथ में लाया था। तो चलो अब हो गया वो भी, और इसे फिल्टर वगैरह भी रखा है यहाँ पे पानी के लिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखो आप, तो इसका नाम एलिगेंस है इस स्टूडियो का, और अभी हमारा फोटोशूट जो है चल ही रहा है। मैं इधर फिर खिंचवाता हूँ फोटो, फिर उसके बाद बोला स्क्रब में खींचेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह अपरन में, फिर शायद बोलेगा बस आज के लिए इतना काफी है। तो फिर एक एल्बम भी प्यारी सी बनेगी, एल्बम भी दिखाऊंगा ना कैसी कैसी है इधर, बहुत प्यारी है। थोड़ी देर बाद मैं जो है आपको एल्बम्स दिखाऊंगा, जो एल्बम्स हमारे बनने वाले हैं, ये हम तक है हम कौन सा वाला एल्बम चूज करते हैं। तो पहले फोटोशूट जैसे ही खत्म होगा मैं आपको एल्बम दिखाऊंगा। Hey, my friends, go outside to like, subscribe and share. Yes. Goodbye. हेलो, अब लास्ट सेशन स्टार्ट हो गया। हमने सर्जिकल टेस्ट पहन लिए, देख लो अपना बैच। ये ना अभी बोल रहे हैं कि भाई टाइम आपका खत्म हो गया, तो हम आपकी जो है इसमें ग्रुप फोटो लेंगे, खाली इंडिविजुअल नहीं लेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई प्लीज ले लो आप, क्योंकि यही तो मेमोरी रहने वाली है। तो चलो बात करके देखते हैं, देखते हैं मानता है या नहीं मानता, वो इसकी मर्जी, हम तो ट्राई करेंगे। मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो है रेडी हो चुके हैं, सो लेट्स गो लेते हैं फोटो। यहाँ पे जो है इन्होंने हमारे जो है फोटोज वगैरह खींचे, ये है इसके खजाइन मतलब मालिक, और ये फोटो हमारे ले रहे थे, बहुत ही अच्छे फोटो लाए इन्होंने माशाल्लाह, मतलब क्या ही कहे। तो चलो हाय, हेलो हेलो, चलो इनको भी आप किर्गिस्तान, आई एम फ्रॉम किर्गिस्तान, ही इज फ्रॉम किर्गिस्तान, ही इज सेइंग लाइक दैट एंड वी लव देम, इट वाज ऑसम।
Это очень хорошо сегодня. Спасибо. Он мне еще 10 минут дает подарок. He gave us more 10 minutes for photoshoot. Actually, हमारा जो है ना time up हो रहा था. So they gave us more extra 10 minutes. So thank you so much for that. Shoot वगैरह अपना हो गया और मैं बाहर आ गया हूँ. और ये थी आज की vlog. और कल अपना फोटोशूट होने वाला है बाहर, तो वहां पे भी फुल ऑन एंजॉय करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कैसे क्या होगा. अभी इनको मैंने थैंक यू वगैरह भी बोल दिया. तो चलो करता हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.